अज्ञात वन्य प्राणी ने किया हमला, 3 बकरियों को उतारा मौत के घाट, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बुधवार वन विभाग को दी गई घटना की जानकारी। इस वक्त एक बड़ी खबर बड़वानी जिले के सिलावत के पास ग्राम हिरकराई से आ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात अज्ञात वन्य प्राणी ने बकरियों पर हमला किया, जिसमें 3 बकरियों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी अनुसार चीते की तरह दिखाई देने वाले वन्य प्राणी ने इन बकरियों को शिकार बनाए है। इलाके के आसपास कुछ समय पहले तेंदुआ भी पकड़ा जा चुका है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरपंच कमलेश के द्वारा वन विभाग को घटना की सूचना दी गई है। सरपंच साहब, क्या घटना हुई आज? आज रात को करीबन 2-1 बजे कई चीता ने 3 बकरियों का शिकार कर दिया। तो किसी को खबर करी? हाँ, हमारा पूरा वन रक्षक है, तो वन विभाग में भी हमने खबर कर दी है। हमारा नाम दीपक बंडूर है। क्या घटना हुई आप? ना, रात में कोई जानवर आया, जानकारी में तो नहीं है, लेकिन चीते जैसा कोई है, तो फिर वो आके 3 बकरियों का शिकार कर गया। बाड़े में बकरी बंधी हुई थी। बकरियां किसकी है? बकरियां गंगाराम पिता बहादुर की। ग्राम मंडवाड़ा में 10 दिन बाद फिर नदी की रपट से बहने के कारण पानिया निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति की असमयी हुई मौत। परिवार में छाया मातम। शव बुधवार पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। अंजड़, 10 दिन पहले एक हादसा हुआ, वहीं एक और पानिया निवासी की रपट से गिरकर डूबने से मौत हुई है। जहां कल मंगलवार शाम ग्राम मंडवाड़ा से हाड़ बाजार कर अपने घर पानिया जा रहे व्यक्ति की स्थानीय निहाली कुंडी के रपटे से गिरकर डूबने से मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छाया हुआ है। पुनिया उम्र 45 साल की मंडवाड़ा की निहाली कुंडी नदी संगम पर बने क्षतिग्रस्त रपट से गिरकर डूबने से मौत हो गई। नदी के आसपास मौजूद लोगों ने उसे बहते देखा और देर रात सर्चिंग कर उसके शव को नदी से बरामद कर बुधवार सुबह अंजड़ पीएम के लिए भिजवाया है। पुनिया की असमय मौत होने से भरे पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिवार के लोगों ने प्रशासन पर रोष भी जताया है। उल्लेखनीय है कि बीते 6 अगस्त को मंडवाड़ा निवासी 48 वर्षीय कन्हैया लाल गोस्वामी की इसी रपट से गुजरने के दौरान पानी में डूबकर मौत हो गई थी। निहाली नदी। कब की घटना है ये? 5-6 बजे के करीब। आपको कैसे पता चला? वहाँ से ये घर वाला था, वो बोला चिल्लाया क्या गिर गया, फिर ऐसा बोलिया। फिर गांव वाला ने वहाँ पुलिस में होता, उन्होंने कहा यार तुम्हारा पापा पड़े गिर गया, हाँ चलो। अच्छा, कैसे निकाला फिर इनको? ढूंढा, 4-5 गांव वाले ने इसको आवाज लगाया, हम फिर गया नदी में, फिर गया ढूंढने का, फिर ढूंढी पाए 20-25 मिनट भाई। यहाँ पीएम करवाने के लिए कब लाए? ये लाया 11-12 बजे रात को। रात को